नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। आज हम उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में पहुंचे हैं, जहां मौजूद है मां धारी देवी का मंदिर। वो मंदिर जिसे गढ़वाल की इष्ट देवी माना जाता है, और ये कहा जाता है कि जो माता है वो उत्तराखंड की रक्षक माता है, यानी कि उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षा का दायित्व उनके हाथ में है। आज इसी स्टोरी को हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या मान्यता है मां धारी देवी की। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है मां धारी देवी का मंदिर। देवी है जो हमारी बहुत ही महान देवी है। माता ने आवाज मारी थी, मैं हिलके थे तो उसका नाम मैं। इसके दर्शन कर रही है, मतलब हमें बहुत ज्यादा सुख शांति की प्राप्ति होती है कि जो हमारे चारों धाम हैं उनकी एक रक्षक देवी के रूप में है। उत्तराखंड की रक्षक धारी देवी है। वैसे तो भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित मां धारी देवी का ये प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके कई बार न विश्वास होने वाली कहानी जन जन की जुबान पर है। उत्तराखंड सिद्ध पीठों में से यह भी एक सिद्ध पीठ मां धारी देवी का मंदिर है, जहाँ माँ साक्षात विराजमान है। सड़क मार्ग से लगभग 400 मीटर नीचे उतरने के बाद मां धारी देवी का मंदिर नज़र आता है। मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं, ये मां धारी देवी का मंदिर है। और ये कहा जाता है कि पूर्व में ये मंदिर जो अलकनंदा नदी है इसके नीचे था, यानी कि जब ये डैम नहीं बना था उससे पहले मंदिर नीचे हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि डैम्स में पानी भरने के बाद अब जो मंदिर है उसको ऊपर बना दिया गया और मंदिर को विशाल रूप से बना दिया गया, ताकि गढ़वाल के और कुमाऊं के तमाम लोग, यानी कि उत्तराखंड के तमाम लोग आएँ और मां धारी देवी के दर्शन यहाँ कर पाएँ। मां धारी देवी का ये मंदिर झील के बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड की चार धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों के रक्षक देवी माना जाता है। इनका नाम धारण करने वाली देवी के नाम से ही धारी देवी पड़ा है। सर, क्या इस मंदिर की आस्था है? लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते, कहा जाता है कि उत्तराखंड की रक्षक देवी है। बिल्कुल ऐसी मान्यता है कि जो हमारे चारों धाम हैं उनकी एक रक्षक देवी के रूप में है, यात्रियों की ये रक्षा करती है, ऐसी मान्यता है। प्राचीन समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ जो हमारे यहाँ धाम हैं उनके जाने का पैदल मार्ग माँ के ही दरबार से था। आज भी अगर आप लोग आगे जाएंगे तो पुराने मार्ग के अवशेष अभी मिलेंगे। वर्तमान में तो सब कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं उस मार्ग के अवशेष मौजूद हैं जो पैदल यात्री चलते थे, और माँ दक्षिण कालिका धारी देवी के स्थान पर भक्त रहते थे उस समय, तो पुजारियों के द्वारा उनकी भोजन व्यवस्था होती थी। आप ये समझे कि इतनी मात्रा में तो नहीं होते थे। वर्तमान में मैं समझता हूँ, यद्यपि मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात, टूरिज्म ज़्यादा हो गया और भक्त लोग तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे आते हैं कि चलो भाई धारी देवी घूमे आए, धारी देवी देख आए। तो उस समय जो भी आते थे उनका एकमात्र उद्देश्य तीर्थ यात्रा करना होता था, और मां धारी के आशीर्वाद लेकर के वे आगे बढ़ते थे। मां के दोनों रूप के दर्शन करने पर मिलता है मनचाहा वरदान। स्थानीय लोगों के अनुसार धारी देवी मां काली का ही एक रूप है। माना जाता है कि मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मां का ऊपरी हिस्सा अलकनंदा नदी में बहकर इस स्थान पर पहुंचा था, जहां मां ने आवाज लगाई और एक मछुआरे ने मां को यहां पर स्थापित किया। ये भी माना जाता है कि जो भी माँ के दोनों रूप के दर्शन करता है उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। आप माता के दर्शन करने आए थे, कैसा लगा? जी, माता जी के दर्शन करके आए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब कि हमारी माता रानी है, इसके दर्शन करके मतलब हमें बहुत ज़्यादा सुख शांति की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं ये मंदिर यहाँ पे जो नदी के बिल्कुल ऊपर आ चुका है। पहले ये जहाँ पे जो अभी पानी है यहाँ पे पहले बिल्कुल एक मार्केट हुआ करता था,
यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था, मंदिर जो है बिल्कुल नीचे बहुत बहुत डीप खाली खाई में टाइप में था। अभी हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे डैम का निर्माण हुआ उसके चक्कर में यहाँ पे मतलब कि पानी जब रुका तो बाढ़ ऊपर से आपदा ग्लेशियर फटा उसके चक्कर में, जिससे कि हुआ क्या कि पानी पूरा भर गया। नहीं तो ये मंदिर जो ये डीप दिख रहा है इसको, ये यहाँ पे तो मतलब एक मार्केट हुआ करता था और मंदिर उससे ज़्यादा नीचे खाई में हुआ करता था। और माने कहा भी जाता है कि जो ये धारी देवी का जो मूर्त है ये इसका आधा पार्ट है, ऊपर का इसका आधा शरीर है, इसका आधा जो पार्ट ये ऊपर कालीमठ में है। जो ये माता रानी है ये बह के आई थी, तो जो कुंज धुनार नाम, ये धुनार था कोई मछुआरा था कोई, तो कुंज धुनार नाम का एक मछुआरा था, तो उसने उस माता को मतलब माता रानी के सपने में आई थी, तो सपने में आके मतलब कि उस बंदे को बताया था कि मतलब कुछ भी मतलब कि ये हूँ मैं मतलब कि उस बंदे को ऐसा प्रतीत हो गया था कि मुझे किसी को लेके आना था। तो बंदा मतलब ऐसा आया कि अंधेरी रात में मतलब कि वो विदाउट किसी उजाले के किसी के भी नदी के मतलब के तट पर चला गया और माता को उसने एक मतलब अपने पास लिया और वहाँ पे मतलब एक पत्थर में उसको रख दिया, जिस चक्कर में मतलब को उसका एक पत्थर में ही निर्माण हो गया। उसको तब से एक माता रानी के मतलब धारी माता के नाम से जाना जाता है। बाकी पुराना जो मंदिर था अभी जो वो जो है नीचे दब चुका है पानी के चक्कर में, जो पानी जो यहाँ पे भर चुका है उसके वजह से इसका निर्माण जो है ऊपर कर दिया गया है। माँ धारी देवी के इस मंदिर में हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूदा माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहते हैं माँ धारी देवी की प्रतिमा सुबह एक बच्चे के समान लगती है, दोपहर में उसमें युवा स्त्री की झलक मिलती है, जबकि शाम होते होते प्रतिमा बुजुर्ग महिला जैसी रूप धर लेती है। अगर देखा जाए शक्ति क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देवी 3 रूप बदलती है दिन में। सुबह जिस समय पुजारी आता है और उसका स्नान करता है, उसका श्रृंगार करता है, उस समय छोटी बालिका का करता है, दिन में युवती होती है और शाम को प्रौढ़ा होती है। तो अगर आदमी दिन भर देखता रहे तो उसको 3 रूपों का पता चलता है। बाकी लोग मान्यता जिसको आकर के जो सच्चे मन से यहाँ पर वो करता है उसको फल जरूर मिलता है। उसको उसका उसकी अगर कोई ये कहे कि साहब मेरा पुत्र नहीं हुआ या मेरा फलाना काम नहीं हुआ, हे माँ तू मतलब मुझे वो कर, मेरी सहायता कर, तो उसको मिलता है, वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। कहते हैं श्रीनगर में चल रहे हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए साल 2013 में डैम में पानी भरने के चलते माँ धारी देवी की प्रतिमा को प्राचीन मंदिर से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयंकर आपदा आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 को शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ धारी की प्रतिमा के विस्थापन की वजह से केदारनाथ का संतुलन बिगड़ गया था, जिस वजह से देव भूमि में प्रलय आई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केदारनाथ विपदा का कारण मंदिर को तोड़कर मूर्ति को हटाया जाना है, ये प्रत्यक्ष देवी का प्रकोप है। पहाड़ के लोगों में ये मान्यता है कि पहाड़ की देवी देवता जल्द ही रुष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्ति से कैसी भी विनाश लीला रच डालते हैं। माँ धारी देवी को लेकर मान्यता है कि उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा माँ धारी देवी करती है।
इसलिए माँ धारी देवी को रक्षक देवी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड की रक्षा भी माँ धारी देवी करती है। मान्यता है कि जो भी माँ के दर पर आता है कभी खाली नहीं जाता, और यही वजह है कि न केवल उत्तराखंड बल्कि देश विदेश से ही सब लोग धारी देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी हैं, और यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है, जो भी मनोती देवी से मांगता है, वो हमेशा परिपूर्ण होता है और बहुत फलदायी होता है। और हमेशा हम जब भी आते हैं तो देवी के दर्शन करने की कोशिश करते हैं और आते हैं, और ख़ासकर नवरात्र के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है, और पूरे उत्तराखंड के लोग इस देवी देवता का सम्मान के साथ साथ पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ की जो मान्यता है उसके अनुसार देवी का बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा आस्था है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। आपदा में इत्तेफाक मिलता है जो मूर्ति के रंग बदलने में आस्था मिलती है। कोई नहीं जानता कि मूर्ति के रूप बदलने के दांव ने ही हर किसी को मूर्ति में चमत्कार दिखाने पर विवश कर दिया है, या फिर वाकई माता के दर पर कोई चमत्कार होता है। कोई नहीं जानता है कि माँ धारी देवी की रूप बदलने का कोई आधार भी है या फिर यह सिर्फ एक दावा है। कोई ये भी नहीं जानता कि धारी देवी की मूर्ति और आपदा एक इत्तेफाक है, तो माँ के मंदिर को विस्थापित करने की कोई हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि जिस पहाड़ पर जीवन कठिन है, वहाँ माँ धारी देवी में बसी आस्था लोगों को हौसला देती है, आत्मबल देती है और छात्र छाया देती है। देवी है जो हमारी बहुत ही महान देवी है। माता ने आवाज मारी थी, मैं हिलके थे तो उसका नाम मैं। इसके दर्शन करके मतलब हमें बहुत बहुत ज्यादा सुख शांति की प्राप्ति होती है। कि जो हमारे चारों धाम हैं, उनकी एक रक्षक देवी के रूप में है, उत्तराखंड की रक्षक धारी देवी है। उत्तराखंड की रक्षक देवी माँ धारी देवी की पूरी कथा हमने आपको सुनाई, और ये भी बताया कि 2013 की आपदा में माँ धारी देवी का क्या रोल था। यानी कि उत्तराखंड में आज भी देवों का वास है, ये साफ तौर से पता चलता है माँ धारी देवी के इस मंदिर परिसर से। ऐसे ही और भी कई नई कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे और आपको दिखाएंगे देवभूमि के कहीं ऐसे अद्भुत मंदिर जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Thank you.